Howdy physics lovers, example number 5.2. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field. So देखिए मान लेते हैं ये है external field और इस पे हमने एक बार मैग्नेट प्लेस की. ये बार मैग्नेट इस फील्ड के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज 30 डिग्री. ओके, सो थीटा इज 30 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड इज 800 गॉस और गॉस को टेस्ला में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 0.016 न्यूटन मीटर. सो इन फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट. सो देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. हमें यहां पर m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसका मतलब m हो गया tau डिवाइडेड बाय b sin थीटा. नाउ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज गिवन दैट इज 0.016 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड 800 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और sin थीटा. थीटा आपका 30 डिग्री है तो sin 30 हो जाएगा 1/2 या फिर आप लिख सकते हैं 0.5. नाउ 2 × 2 4 = 8, it is 400 and it is your 10 to the power minus 3. Okay, now it is 16 into 10 ki power minus 3 plus 4 minus 2 divided by 4. So it will be 4 × 4 = 16, 4 into 10 to the power minus 1. So I can write it as 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वेयर. दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन. तो देखिए बी पार्ट में हमें बोला है कितना वर्क डन करना है. तो मोस्ट स्टेबल स्टेट के लिए आपका थीटा जीरो डिग्री होता है फॉर स्टेबल स्टेट एंड फॉर अनस्टेबल स्टेट थीटा हम 180 लेते हैं. This is for unstable state. This is the angle between the magnetic moment and external magnetic field. U is equal to U for unstable state minus U for stable state. Okay. So U for unstable state is minus MB cos theta. Theta is 180 degree minus MB cos theta 0 degree. So it will be minus MB cos 180 is minus 1 minus minus plus MB cos 0 is plus 1. So it is your result 2MB. Now what is the value of M? The value of magnetic moment is 0.4 into magnetic field. Magnetic field is 800 into 10 to the power minus 4. So, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64. सो इट इज 64 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये डेसिमल के लिए माइनस 1 और इसके लिए प्लस 2. नाउ इट इज 64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन सी पार्ट The bar magnet is replaced by a solenoid. अब हमने क्या किया, बार मैग्नेट को सोलेनोइड से रिप्लेस किया और उस सोलेनोइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 2 × 10⁻⁴ m². एंड नंबर ऑफ टर्न्स है 1000 बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम है. डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड. सो एरिया इज गिवन दैट इज 2 × 10⁻⁴ m². नंबर ऑफ टर्न्स 1000 और मैग्नेटिक मोमेंट आपका सेम है जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ सोलेनोइड, दैट इज एन आई ए. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ए. नाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स 1000 एंड एरिया इज 2 × 10⁻⁴. सो इट इज
0.4 डिवाइडेड बाय दिस, सो आई कैन राइट इट एज 2 से कैंसिल कर देंगे 0.2, सो इट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, सो द रिजल्ट इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 4 माइनस 3 इज प्लस 1, सो आई कैन से दैट करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. If you visit first time on the channel, then subscribe the channel. Don't forget to hit the like button because your like is our live motivation. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.